वन्य जीवों की सुरक्षा को देखते हुए हाईकोर्ट ने मैलानी और बहराइच के नानपारा रेलखंड के बीच ट्रेनों के संचालन बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद रेलवे अब इस रूट पर हेरिटेज ट्रेनों को चलाने की दिशा में काम कर रहा है। इसी कड़ी में मैलानी से नानपारा रेलवे स्टेशन तक रेल बस का ट्रायल किया गया। रेल बस के ट्रायल की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। लोगों में रेल बस को लेकर काफी कौतूहल देखने को मिला। हर किसी के मन में रेल बस को लेकर कई सवाल थे। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के PRO पंकज सिंह ने कहा कि फिलहाल रेल लाइन पर रेल बस का ट्रायल लिया गया है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ कि इसकी शुरुआत कब से की जाएगी। वन्य जीवों की सुरक्षा को देखते हुए रेल बस की रफ्तार काफी धीमी रखी गई थी। ये ट्रेन महज 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई गई। संभावना जताई जा रही है कि इसी रेल बस का संचालन रेल मार्ग पर किया जाएगा। आपको बता दें कि वन विभाग ने संरक्षित वन क्षेत्र में ट्रेनों से कटकर लगातार हो रही वन्य जीवों की मौत को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने वन्य जीवों की मौत के आंकड़ों को देखते हुए रेलवे को 2015 में ट्रेनों का संचालन बंद करने का आदेश जारी किया था। अब तक आपने रेल बस के बारे में या तो किसी से सुना होगा या फिर पिक्चरों में देखा होगा, लेकिन ये अब हकीकत बहराइच में होने जा रहा है। बहराइच में कतनिया के जंगलों में अब रेल विभाग द्वारा रेल बस का एक इंतज़ाम किया गया है, जिसमें लोग बैठ करके जंगल की सैर कर सकेंगे। इस पर वन विभाग ने हाईकोर्ट में एक अपील दाखिल की थी कि बहराइच से मैलानी तक का जो छोटी लाइन का सफ़र है उसे बंद करके सिर्फ जंगल के घूमने के लिए काम में लिया जाए, जिस पर हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया कि रेल मंत्रालय इस पर विचार करके वहाँ पर रेल बस का आयोजन करे, जिस पर जल्द ही इस पर एक ट्रायल भी हुआ और रेल बस यहाँ से इसी ट्रैक से होकर के गुजरी है, जो कि विभाग के अधिकारियों के निगाह में एक बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ के लोग भी काफ़ी रोमांचित हैं, क्योंकि रेल बस का सिर्फ सपना ही लोगों ने देखा था, ये हकीकत होते आज देख रहे हैं। अब बहराइच में कब तक ये रेल बस का इंतज़ाम मुकम्मल हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहराइच से मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी, पंजाब केसरी TV।